नमस्कार दोस्तों। तो क्रिकेट इस दुनिया का मोस्ट पॉपुलर गेम बनता जा रहा है, क्योंकि ये गेम रोमांचक होने के साथ साथ ट्विस्टों से भरा रहता है, क्योंकि इस गेम में किसी भी पल कोई भी टीम जीत सकती है। इस गेम में प्लेयर्स अपने बल्लेबाजी से तो अपना जलवा दिखाते हैं, पर बॉलिंग से भी कम जलवा नहीं दिखाते। तो बॉलर्स के बारे में बात करते हुए आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट विकेट टेकिंग प्लेयर्स इन ODI। तो हमारी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की और नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। दसवें नंबर पे आते हैं सैनेथ जयसूर्या। ये श्रीलंकन स्लो लेफ्ट आर्म लेग ब्रेकर बॉलर हैं। इन्होंने अपने ODI करियर में कुल 445 मैच खेले हैं, जिनमें इन्होंने कुल 323 विकेट्स लिए हैं, और इनका ODI करियर में बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है 6/29। नौवें नंबर पे आते हैं अनिल कुंबले। ये इंडियन राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं। इन्होंने अपने ODI करियर में कुल 271 मैचेस खेले हैं, जिसमें कुल इन्होंने 337 विकेट्स लिए हैं, और इनके ODI करियर का सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है 6/12। आठवें नंबर पे आते हैं ब्रेट ली। ये ऑस्ट्रेलियन राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने कुल अपने ODI करियर में 221 मैचेस खेले हैं, जिसमें इन्होंने कुल 380 विकेट्स लिए हैं, और इनके ODI करियर का सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है 5/22। सातवें नंबर पे आते हैं ग्लेन मैकग्रेथ। ये ऑस्ट्रेलियन राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। इन्होंने कुल अपने ODI करियर में 250 मैचेस खेले हैं, जिनमें इन्होंने कुल 381 विकेट्स लिए हैं, और इनके ODI करियर का सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है 7/15। छठे नंबर पे आते हैं शॉन पोलोक। ये साउथ अफ्रीकन राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। इन्होंने कुल अपने ODI करियर में 303 मैचेस खेले हैं, जिनमें इन्होंने कुल 393 विकेट्स लिए हैं, और इनके ODI करियर का सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है 6/35। पांचवें नंबर से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसे ही प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पांचवें नंबर पे आते हैं शाहिद अफरीदी। ये पाकिस्तानी राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। इन्होंने कुल अपने ODI करियर में 398 मैचेस खेले हैं, जिनमें इन्होंने कुल 395 विकेट्स लिए हैं, और इनके ODI करियर का सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है 7/12। चौथे नंबर पे आते हैं चमिंदा वास। ये श्रीलंकन लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। इन्होंने कुल अपने ODI करियर में 322 मैचेस खेले हैं, जिनमें इन्होंने कुल मिला के 400 विकेट्स लिए हैं, और इनके ODI करियर का सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है 8/19। इन्होंने एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि है 8/19, मतलब 19 रन्स देकर 8 विकेट झटके थे। टॉप 3 में तीसरे नंबर पे आते हैं वकर योनिस। ये पाकिस्तानी राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने कुल अपने ODI करियर में 262 मैचेस खेले हैं, जिनमें इन्होंने कुल मिला के 416 विकेट्स लिए हैं, और इनके ODI करियर का सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है 7/36।
दूसरे नंबर पे आते हैं वासिम अकरम, ये पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने कुल अपने ओडीआई करियर में 356 मैचेस खेले हैं, जिनमें इन्होंने कुल मिला के 502 विकेट्स लिए हैं। और इनके ओडीआई करियर का सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है 5/15। एक बात तो माननी पड़ेगी कि पहली वाली पाकिस्तान टीम में बैटिंग डिपार्टमेंट तो अच्छा था ही, साथ ही साथ बॉलिंग डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा था। पहले नंबर पे आते हैं मुथिया मुरलीधरन, ये क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ओडीआई में विकेट टेकिंग प्लेयर हैं। ये श्रीलंकन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। इन्होंने कुल अपने ओडीआई करियर में 350 मैचेस खेले हैं, जिनमें इन्होंने कुल 534 विकेट्स लिए हैं। और इनके ओडीआई करियर का सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है 7/30। There are fieldsmen flying everywhere. They can't hang on to this. This was the easiest we've seen. तो अगर आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आपका सबसे फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।